हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो में मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई एक एग्रीकल्चर की रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इस रिक्रूटमेंट की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो पोस्ट है उसका आपका नेम रहेगा वेयर हाउसिंग मैनेजर। इसकी वैकेंसीज आई हुई हैं और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा इसके बारे में। इस रिक्रूटमेंट में जो लोग पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर की लिंक मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर मैं इसके कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी टोटल 23 रहेंगी। इसमें पोस्ट का नेम रहेगा वेयर हाउस मैनेजर और इसमें अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं पीपीएससी की वेबसाइट से। देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट दी हुई हैं, इनको मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो वुमेन हैं उनके लिए अलग से पोस्टें रिजर्व रहेंगी। टोटल आपकी 27 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट आपकी वुमेन के लिए रिजर्व हैं। सैलरी की बात की जाए अगर तो सैलरी इसकी रहेगी आपकी 35,400 रुपये, ये आपका इनिशियल पे स्केल रहेगा। और अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात की जाए तो आपके पास एमएससी इन एग्रीकल्चर होना आवश्यक है किसी भी यूनिवर्सिटी से, प्लस आपको पंजाबी का नॉलेज होना आवश्यक है। आपने मैट्रिक यानी कि आपने 10th क्लास में पंजाबी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हो। इसमें जो लोग पंजाब स्टेट वाले हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज आपकी मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर्स रहेगी, जो कि आपकी 1/1/2022 से काउंट की जाएगी। और एज में छूट कैटेगरी वालों को दी जाएगी, उसके बारे में आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट में जो आपका सिलेक्शन होगा वो राइटन एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जो आपका पेपर रहेगा उसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और आपके एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स रहेंगे, कुल आपके जो है 480 मार्क्स रहेंगे। और जो आपका पेपर आएगा उसमें आपके जो है क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा इसके क्वेश्चन रहेंगे 100, और जो आपका मेंटल एबिलिटी जनरल नॉलेज है पार्ट बी सिलेबस इसके आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से कुल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 480 मार्क्स के होंगे और पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में रहेगी 1/4 की, एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। एग्ज़ाम की टाइमिंग आपकी रहेगी 2 घंटे की, 2 घंटे में आपको ये पेपर करना पड़ेगा। और जो सिलेबस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। एग्ज़ाम आपका जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओएमआर सीट के हेल्प से होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपकी जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू मेक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग द पोस्ट, ये आपका जो है 30/5/2022 लास्ट डेट रहेगी इसमें, यानी कि अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 30/5/2022 रहेगी। और अप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो या अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो पंजाब स्टेट के, तो आपके लिए अप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपीज़ रहेगी। एक सर्विस मैन ऑफ पंजाब स्टेट ओनली 500 रुपीज़, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए अप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये, और जो अदर कैटेगरी वाले होंगे जनरल वाले स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब फ्रीडम फाइटर वगैरह इनके लिए अप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 1500 रुपये।
चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस को मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा विस्तार से। सिलेबस का जो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ एग्री प्रोड्यूस एंड इट्स इस्टीमेशन, इसके कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करके इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका है थर्मल एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल। फिर नेक्स्ट आपका आता है इंसेक्ट स्टोरेज, इंसेक्ट पेस्ट एंड इट्स कंट्रोल। नेक्स्ट आपका रहेगा ग्रेन कन्वेइंग एंड हैंडलिंग सिस्टम, इनके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा स्टोरेज इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आपका रहेगा वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और नेक्स्ट आपका रहेगा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोमटेरियल। नेक्स्ट आपका रहेगा रिस्क मैनेजमेंट इन वेयर हाउसेस। तो ये आपका जो है सिलेबस रहेगा जिसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और जो आपका पार्ट बी रहेगा जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका जो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जीके वगैरह पूछा जाएगा। जीके में आपका जो है इकोनॉमिक इशू, पॉलिटी इशू, इन्वायरमेंटल इशू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, इंडिया एंड पंजाब, ये सब इसमें पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग और जो मेंटल एबिलिटी है इसमें आपका जो है एनालिटिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल स्किल, नंबर, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशन अप्रिसिएशन, डाटा एनालिसिस, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, चार्ट, टेबल, स्प्रेड शीट्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अगर मैं इसका कोर्स लॉन्च करूँगा तो उसकी भी अपडेट आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।